लेकिन बनाया बहुत अच्छा है। आप देखते भी शार्क टैंक देखा अभी तक? अच्छा ये जुड़े 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 ही तो स्क्रंच। एग्जैक्टली क्या हो गया, क्या हुआ है कुछ? ओए क्या हुआ? हाय गाइस, वेलकम टू अदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7:10 हो चुके हैं। पता नहीं क्या दिख रहे हैं ऐसे। हाँ 7:10 हो गए हैं। 9:15 की मेरी फ्लाइट है और आज काफ़ी चांसेस मैं आपको एक इंसान का वो वाला एक्सप्रेशन दिखाऊंगा जब उसकी फ्लाइट छूटती। उन्हें जाना है शूट के लिए और हो गया वो लेट और शेयर करी व्लॉग तो बना ले जाते थे तो मैं निकल रहा हूँ यार। सो फाइनली आई वॉज टेकिंग अ फ्लाइट बिकॉज आई हैड टू कम टू पुणे। पुणे कुछ तो शो के लिए एक शूट के लिए आया। कभी ना कभी आने के 2-3-4 महीने के अंदर आपको वो शूट में कहीं ना कहीं एक कहीं मेरी शक्ल दिख जाएगी। टेंशन मत लेना, मैं स्टोरी भी डालूंगा ऑब्वियसली उस चीज़ की। आए और भाई मैं पुणे आता हूँ तो आई ऑलवेज प्रेफर दाल खिचड़ी क्योंकि ये महाराष्ट्र में ही मिलती है, ये दिल्ली में नहीं बना पा रहे लोग फॉर सम रीज़न। वहाँ का टेस्ट नहीं है, क्या नहीं है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। ये एक्चुअली बहुत महंगी है क्योंकि होटल की है पर नॉर्मली बाहर 105 रुपये मिलती है। मज़ा आता है भाई साहब। हम शाम को जाएंगे शूट पे, देखते हैं अगर व्लॉग बनेगा नहीं बनेगा। बनेगा तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, तो मैं वैसे ही घर का देखना, मुझे पता। जैसे शुभम बनाएगा आज का व्लॉग, इसने बोला बनाना। मैंने क्या बोला क्या है, मैंने ये मेरा वो है क्राउड वर्क वो है प्रैक्टिस है अपने चैनल को स्टार्ट करने। व्लॉग बनाने के लिए स्टार्ट तो कर रहे हैं यार क्या? अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या है व्लॉग? अच्छा पूरा इसे सेट करना पड़ता है क्या? ठीक है तो आज खुलते मेरा आ जाएगा। हाय गाइस, द चैनल इज नॉट हैक्ड, ये आदमी जिंदा है, इधर ही मौजूद है, लेकिन ये आज हमारे साथ शूट करना है तो हमने इनको फिर मोटिवेट किया कि इन्होंने समझाया क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। फोन है तो फिर रिकॉर्ड कर ही लो। बिल्कुल हाँ, मैं तो आपको बताइए नहीं बनाता ज्यादा व्लॉग। शुभम ने बोला कुछ तो कर लो यार, फ्री में नहीं बनाते ज्यादा, ऐसा बोलो ना। अभी कोई आगे बोल देगी अभी इसके पता नहीं, कुछ पता नहीं इसमें कौन सा ब्रांड में घुस जाए बीच में। घुस जाए भाई, हम एसोसिएट नहीं होना चाहिए आई एम आउट किसी ब्रांड के साथ। अभी तक व्लॉग में होता था कि एटलीस्ट मैं बनाता तो था और कंटेंट दूसरे देते थे, वो तो अब मैंने बनाने का भी किसी और को दे दिया है, कंटेंट भी दूसरे। मैं इसे एयर ड्रॉप भी कर लूंगा, अपने पे ही डाल दूंगा, इतनी मेहनत करी रहा हूँ करने के लिए। ये तो अभी कर सकते हैं तो ये बस ये वर्ड म्यूट कर देना कि इसकी शूटिंग के लिए है। तो अब ये तो म्यूट हो चुका है किसकी शूटिंग के लिए, तो आप गेस करते रहना कि कौन की शूटिंग के लिए आए हैं, किसकी शूटिंग के लिए आए। कौन की तो बहुत ही गंदी शूटिंग है, 6 लड़के खड़े हैं। बना दूं कैसे फूड व्लॉग, बना दूं कैसे अचानक से? हाँ बना दे अचानक से। देखो फूड व्लॉग करना कितना आसान है, हाँ टिपिकल व्लॉगर वाला तो ले लो। ओ भैया ने इसमें पानी डाल लिया है, अरे भैया भी अब तक नहीं डाल रहे थे कैमरा खुलते ही। भैया क्या क्या डाल रहे हैं मसाले? ये मैगी मसाला आपने खुद ही बनाया भाई, कसम से ये मैगी बन रही है इधर। दोस्तों ये हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन के एग्जैक्टली बाहर हम आगे शूट तो कुछ नहीं है, ये फोन चुराते पकड़े गए थे, अब जमानत कराने आए थे 6 लड़के। हल्का सा ब्लॉग के चक्कर में कड़वी कर दो ना। हाँ थोड़ी सी कड़वी चलेगा। भैया ने इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है और हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो हम दोबारा से डाल रहे हैं। ये 555 ब्रांड फिनाइल, ये देखो फिनाइल डाल दिया है। हाँ भाई आंतड़िया साफ अंदर तक, रोड बनता है ना वही डाला है रोड आज। अब चारकोल सिर्फ आपके फेस वॉश में ही क्यों, आपकी मैगी में भी धूम्रपान करने के बाद जो टार निकलता है भाई, मामार्थ यहाँ मामार्थ चारकोल डल सकता है मेरे को लग रहा है। यहाँ मामार्थ आ सकता है इसके बाद। गाइस लेट्स गो टू प्रमोशन नाउ। अब कोई 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 आया भी है आपके पास ऐसे फूड व्लॉगर इधर बनाने? गांड फटती सबकी पुलिस। नहीं नहीं आप ही लोग। अच्छा भैया सिर्फ हमारे आपके बीच की बात है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ये बताओ इधर जैसे ये लोग आते हैं तो फिल्मों विल्मों में तो दिखाते हैं कि पुलिस वाले कभी पैसे देते ही नहीं है, देते ना पर असली में देते हैं ना। हाँ। इनकी इमेज खराब की हुई है सिर्फ ऐसे फिल्मों वालों ने खराब की है। हाँ असली में तो इतने भले होते हैं लोग, वही तो। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया नूडल की तरह लजीज। भैया देख लो अच्छा रिव्यू आ रहा है मैगी का ना, सीधा सा भी है यार। और जो फूड ब्लॉगर होते हैं वो पैसे देके जाते हैं, भाग जाते हैं लेके। जब भी आपको इस पुलिस स्टेशन में रात काटनी पड़े कुछ भी, हां हां खाना यहीं से मंगाए। थोड़े दिन में सीक्रेट इंग्रेडिएंट लेके शार्क टैंक पहुंचने वाले हैं। तो हिंजेवाड़ी इलाके में कभी भी आप चैन छीनने पे फोन टैप करने पे अगर थाने आए तो बाहर मैगी जरूर खा के जाए। मैगी जरूर खा, क्रीम रोल भी है साथ में, क्रीम रोल भी है और चाय, चाय गुड़ का क्रीम रोल है। हां गुड़ का ये, और हेल्दी हेल्दी इस पे लिखा हुआ है देखो
आरोग्यदायी आरोग्यदायी तो हो सकता है पतंजलि से एक आध कीटाणु बच जाए। आरोग्यदायी है ये, आपको आरोग्य करेगा। पानी के लिए पानी के लिए दोस्तों पानी के लिए एक पेटीएम करना पड़ेगा, वो कुछ अमाउंट नहीं लिखा है, श्रद्धा अनुसार अपने जितना करना चाहो कर दो। अश्नीर ग्रोवर भी अगर देख रहे हैं तो थोड़ा उनका बीपी बढ़ेगी, क्यूआर उनका नहीं लगा हुआ है। इस शूट से पैसा बने ना बने, इस व्लॉग से मैंने जरूर बना लिया कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा जोक के बाद ये सब करते हो, रिपीट आप रिटेक गाइस स्टार्ट। ये पुणे आते हैं, इनके अंदर की नमिता थापड़ जाग गई है। पूछे हरीश फिर से, आपके पिछले महीने के सेल्स कितने हैं? आपका क्वार्टरली राउंड कितने में क्लोज हुआ था? और कहीं से फंडिंग उठाइए, उसमें मार्जिन कितना रह जाता है? मेरा वो है। और कोई पार्टनर्स हैं आपके? एबिटा कितना बन जाता है? अनुपम का वैसा रहता है ना, खाएगा पहले। मुझे लगता है आपको सब छोड़ के सिर्फ मैगी पर फोकस करना चाहिए। मैगी पर बहुत अच्छी भी है। आपको पिवट करना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा लैक्टोस इंटॉलरेंट हूं, मुझे उल्टियां भी होंगी, लेकिन बनाया बहुत अच्छा है। आप देखते भी शार्क टैंक देखा अभी तक है ना? ए वही ये सब सब एक्टर लोग हैं। क्या मैं यूपी खाता हूँ इसलिए मैं आउट। आज यूथ के साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो मुझे फील हुआ कि आई एम अबाउट टू एंटर माय 40s। यार अभी तो यार 40s 32 यार और हम कॉलेज में शूट कर रहे हैं। तो 3 साल से आप 32 ही बता रहे हो? भाई मैं 29 का था, मैं 33 हूं। चल नहीं मैंने देखा है वो 30 पे आके तो झूठ बोलना पड़ता है लोगों को। जिस कॉलेज में हम शूट कर रहे हैं यहाँ बुड्ढा फील नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ सब ये 2-2 साल नौकरी करके आए हुए हैं। एमबीए वाले हैं क्या? पोस्ट ग्रेड हाँ। अरे ये वो हैं, इन पे हमसे अच्छे आईफोन है। नहीं उनपे प्रो मैक्स है, नहीं है। और इनके वैसे बिना कवर के यूज करते हैं ये, इनको डर नहीं है। गिर अच्छा माहौल है इन जनरल। यार वी फील यंग, वी फील लाइक कि यार ये जिंदगी दोबारा मिल जाए, दोबारा मिल जाए काश। मुझे जीमैट दे दे। नहीं तो एक को तो आज इसने हीरो बना दिया। वो तो जैसे मैंने देखा सारे बच्चों का इंटरेस्ट था, पर दो लड़के ना वो शूट खड़े होकर देखे जा रहे बड़े। एक मैंने भी ऐसे देखी थी, वो आई वो उसने तो बाकायदा नोट्स लिए और फिर आई थिंक शाम को जाके लिखा हुआ उसने, डियर डायरी टुडे आई सॉ अ शूट फॉर द फर्स्ट टाइम। और शार्क टैंक की तरह एक्सप्लेन भी कर दे, व्हाट इज द कंटिन्यूटी सुपरवाइजर? तो गाइस कंटिन्यूटी सुपरवाइजर वो होता है, अगर मैंने एक सीन में समझ लो ग्रीन टी शर्ट पहनी है, अगले में मुझे ग्रीन पहननी पड़ेगी, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। नहीं इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। और एक बंदा ये चीज मैनेज करता है कि कल को अगर कहीं येलो पहना है तो ग्रीन पहन बोल रही। तो आप सोच रहे हो ये भी जॉब है दुनिया, ये भी जॉब है। हाँ मतलब वो जो बड़े बड़े लोगों के वो नहीं आते जैसे कि पहले इसने एडी किया है, वो यही सब वो करते हैं। एडी भी करा था सुनो, जो सारे एक्टर अपना जब नेपोटिज्म जस्टिफाई करना होता है तो यही बोलते हैं कि हमने तो एडी किया है इतने साल अरे लहंगा तो फिर इज्जत आ रहा है। सबसे ज्यादा तो एक चीज चल रही है, पता है कि नहीं पता है, स्क्रंची। स्क्रंची नहीं पता क्या होता है भाई? स्क्रंची अरे वही तो स्क्रंची होती है, वो वाला ऐसा ऐसा होता है फ्लफी फ्लफी सा जो होता है स्क्रंची। अच्छा, हाँ, वही वो हाँ। फ्लफी बॉल में आती थी। नहीं बॉल नहीं, बालों में लगता है जूड़ा, उसे स्क्रंची बोलते हैं। तो आजकल स्क्रंची के बिजनेस जो इंस्टाग्राम पे वो नहीं होता स्मॉल बिजनेस, सो आई एम डूइंग अ स्मॉल बिजनेस, सो जैसे इन्फ्लुएंसर कभी कभी डाल देते हैं कि हे गाइस इफ यू आर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस डू ड्रॉप मी अ डीएम, तो आधे से ज्यादा उसमें स्क्रंची बेच रहे होते हैं। बिफोर दैट बाय हेयर एक्सटेंशन फ्रॉम माय स्मॉल बिजनेस। हां और व्हाई? हां भाई वो सही चीज होती है, मेरे बीवी ने मंगा पड़ा था। हां अरे बाल बाल घने हो जाते हैं उससे। तू स्क्रंची देख रहा है क्या होता है? लड़के लगाए तो विग है। कह तो रहा हूँ आजकल नंबर 1 स्मॉल बिजनेस है भाई। अच्छा ये जूड़े 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 जूड़े
जूड़े ही तो स्क्रंच एग्जैक्टली प्लीज यार एक बार फिर से करना पड़ेगा यार ठीक है नहीं इसने कुछ नहीं की एम्बैरेसिंग फॉर हिम मैन नॉट फॉर यू अभी व्लॉग में जाएगा क्या नाम है तेरा मंजू मंजू मंजूनाथ है मजनू वाली हरकत ही की इसने दोस्तों इसने इन दोनों को बोला कि आज मैं तुम्हारी फोटो कराता हूँ गौरव कपूर के साथ और पता नहीं इसने क्या बोल के बेचा हमें नहीं पता ये दोनों भागती आई इसके पास हे बिग फैन और भाई मैं अपने हाथ ऐसे लेके जा ही रहा था अब तू अपनी स्कीम बता तूने इन दोनों को क्या बेचा कि इससे मिलने आई देखो भाई मैं कैमरा पे नहीं बता सकता कोई नहीं व्हाटएवर द डील वाज ये बराबर है देखो भाई मैंने कोई बकचोदी नहीं की थी ऑफ कोर्स मैंने एक्चुअली बोला था कि इनको फोटो लेनी है जो लोग एक्चुअली बाहर खड़े भी थे ठीक है अभी इनको करनी थी बकचोदी मैं क्या करूं लड़कियां तो खासकर ये शक्ल पहचान लो कोई भी लड़की कहीं इसको ये अगला टिंडर स्विंडलर हो सकता है मैं बता दूं सॉरी बंबल प्लीज कैन यू जस्ट हां ये अगला बंबल स्विंडलर हो सकता है मैं बता रहा हूं इसने किया ऑलरेडी वही किया उन दोनों के साथ तुम्हें गौरव नहीं फन नहीं है शुभम भाई क्या कहना चाहते हो आप इसमें पहले आप सीन समझाएं जरा ये वाला सीन की रीडिंग करें जरा शूट कर रहे हैं हॉस्टल में और अचानक से बच्चों के अंदर का बोझ आ गया है जो सारे अभी तक मुझे लग रहे थे कि गुड बॉयज हैं या इनसे रिलेशन बनाने चाहिए ये कल कोऑपरेट हो गया फिर शुरू अब बच्चों ने सोच लिया शूट नहीं होने देंगे गाना गाएंगे मैं तो नहीं कर रहा मोटिवेट मैं तो पीछे ही हूँ मैं बस ये बता रहा हूँ शूट वर्सेस हॉस्टल कौन जीतेगा दोस्तों बेसिकली सीन ये है कि हम लोग हॉस्टल एक एक्चुअल हॉस्टल के अंदर शूट कर रहे थे जहाँ एक्चुअल असली बच्चे हैं तो हमने बाहर का पूरा हल्ला मचा रखा था और बच्चों ने ऊपर जाके गाने शुरू कर दिए कि शूट नहीं करने देंगे पर अभी देखते हैं कौन मीडिएशन करेगा हमारी तरफ से कौन नेगोशिएटर जाएगा इधर फन नेगोशिएशन इज ऑन क्या हुआ दोस्तों बच्चों ने हमारे क्रू के बंदों को बुला लिया जैम करने के लिए और डायरेक्टर साहब जिनसे सबकी फट रही थी ये अभी ना गुस्से में ज्यादा मजे में और मजे में आ गए अभी आज का शूट लग नहीं ना हो पाएगा ऊपर फुल जैमिंग हो रही है नेगोशिएट करा द ग्रेट नेगोशिएटर ऊपर गए व्लॉगर्स भी हैं यहाँ सर हमारी सबसे ज्यादा मजे नीचे डायरेक्टर साहब नीचे मार रहे पूरे नाच वाच रहे आपने किस हिसाब से नेगोशिएट करा मुझे बताएंगे जरा हमने एक गाना थ्रो किया उन्होंने दूसरा गाना थ्रो किया और एक मिलके 11 हो गए 11 लोग जा चुके हैं मतलब कुल मिला के इन्होंने जुगलबंदी का रूट अपनाया और बच्चों को पैसिफाई करा और बोला हॉर्मोन्स लेके सो जाओ प्लीज ओके गाइस सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग आई होप यू लाइक इट इफ लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल नेक्स्ट व्लॉग इज गोना बी आउट वेरी सून आई एम सो फास्ट यू नो Finally, me and Shreya have reached Bangalore. Our next vlog is gonna be from Bangalore because we have not reached Bangalore. Oh yeah, I mean we have reached. On the way to our hotel from airport. So yeah, next vlog is gonna be from Bangalore because I've got 4 shows in Bangalore, and then we are staying 1 day extra in Bangalore. So yeah, guys, thank you so much. I hope you liked the vlog. Take care. Bye.